नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार और आज मैं आपको बताऊंगी, शास्त्रों में कुछ आसान उपाय बताया गया है गणेश जी को जल्दी प्रसन्न करने के लिए, जल्दी खुश करने के लिए कुछ उपाय मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल क्या उपाय हो सकते हैं? गणेश पूजा के समय अभी 2 तारीख से लेके 11 तारीख के जो गणेश उत्सव है, इस दौरान आपको क्या करना चाहिए? रोज़ सुबह सुबह आपको नहाना चाहिए गणेश जी को। आपको उसके बाद एक पहले से एक चौकी में आप स्थापना कीजिएगा गणेश जी को। और आपको क्या अर्पित करना चाहिए? 5 दुर्वादल गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। सिर्फ 5, आपको 5 दुर्वा यानी हरी घास आपको गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। गणेश जी के मस्तक पर रखना चाहिए। गणेश जी के मस्तक पर दुर्वा को पहले धो लीजिए, गंगा जल से साफ कर लीजिए। उसके बाद गणेश जी के मस्तक पर या फिर बाजू में एक साइड की आप सीधे राइट हैंड की तरफ आप रख सकते हैं दुर्वादल। और साथ कभी भी गणेश जी की दुर्वादल गणेश जी की पैर में नहीं रखना चाहिए, चरणों में दुर्वा कभी नहीं रखना चाहिए। और गणेश जी को गंगा जल से साफ करने के बाद दुर्वा अर्पित करते हुए ये मंत्र बोलिएगा, इदं दुर्वादलं ओं गं गणपते नमः। ये मंत्र आपको बोलना चाहिए दुर्वादल अर्पित करते हुए। शास्त्रों के अनुसार शमी की एक पत्ते से एकमात्र पौधा है जिसे पूजन करने से गणेश जी और शनि दोनों बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे माना जाता है कि भगवान श्री रमा ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शमी की पूजा की थी और शमी गणेश जी को अत्यंत प्रिय पौधा माना जाता है। तो इस तरह से शमी की पौधा आपको हर जगह रोड साइड में मिल जाएगा। ऐसे ही जो पत्ता होता है और इसमें जो पर्पल कलर का फूल लगते हैं, एकदम पतला पतला इस तरह के पर्पल कलर का फूल होता है, ये है शमी की पत्ता। तो इस ये आपको गणेश जी की जो ऊपर आपको आप अगर पूजा के समय चढ़ाएंगे तो गणेश जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और शमी के कुछ पत्ते रोज़ गणेश जी के इस 10 दिन के दौरान आप रोज़ चढ़ाएंगे तो घर में आपकी धन सुख समृद्धि वृद्धि होते हैं। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए पवित्र चावल अर्पित करना चाहिए। याद रखिएगा, खंडित नहीं होना चाहिए वो चावल, बिल्कुल टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। तो आपको अक्षत जो है बिल्कुल जिसका टूटा हुआ ना हो, ऐसे चावल गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। इससे गणेश जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। और साथ ही सूखा, मतलब आपको कभी भी गणेश जी को जब चावल अर्पित कीजिएगा उसको सूखा अर्पित ना कीजिएगा, गीला चावल को थोड़ा गंगा जल से गीला कर लीजिएगा, उसके बाद वो चावल गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। और साथ ही आपको अर्पित करते हुए आपको बोलना चाहिए, इदं अक्षतम ओं गं गणपतये नमः। इस मंत्रों को आपको बोलना चाहिए, इदं अक्षतम ओं गं गणपतये नमः। इस मंत्रों को आपको बोलते हुए 3 बार गणेश जी को चावल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद गणेश जी को सिंदूर की लाली गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल सिंदूर का टीका आप गणेश जी को लगा दीजिए। गणेश जी को टीका लगाते हुए माथे पर सिंदूर का तिलक लगाए, इससे गणेश जी की कृपा प्राप्त होते हैं। इससे आर्थिक स्थिति में आने वाली जो परेशानी है, आने वाली जो बाधा है, वो विघ्न बाधा समस्त सब कुछ समाप्त होता है। गणेश जी रक्षा करता है आपके परिवार का। और गणेश जी को सिंदूर चढ़ाते समय इस मंत्र को बोले, सिंदूर शुभनम रक्तो शुभागम और सुखवर्धनम, ऐसे इस मंत्र को आपको बोलना चाहिए। तो सुखदंग कामद
चैबो सिंधुर प्रति गृहातम, ऐसे आपको मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए और ओम गम गणपते नमः उसके बाद 108 बार आप बोलिए। तो ऐसे बोल के गणपति का विधिवत पूजा कीजिए, इससे गणेश जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। चलो आज तो अपने जान लिया इतना ही, फिर आप लोगों के सामने और भी पूजा पाठ और साधना की बातें लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए।